मीरगंज। शुक्रवार को इलाके के गांव हल्दी खुर्द में सलीम हुसैन पुत्र रियासत हुसैन के घर में लगे पुआल के ढेर में आग लग गई। आग से चार डल्ला पुआल के ढेर जलकर राख हो गए। गनीमत रही कि घर का कोई अन्य सामान नहीं जला। आपको बता दें कि बीते दिनों से ग्राम हल्दी खुर्द में सलीम हुसैन के घर में मधुमक्खियों ने शहद का छत्ता बना लिया। मधुमक्खियां अत्यधिक होने से आए दिन घर में रह रहे लोगों को काटने लगी और इससे परेशान होकर घर की महिलाओं ने मधुमक्खियों को भगाने के लिए आग का धुआं कर दिया। आग के धुएं से मधुमक्खी तो नहीं भागी, लेकिन खपड़ैल ने आग पकड़ ली और खपड़ैल के नीचे लगे पॉल में आग लग गई। पॉल में आग लगने के बाद ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, परंतु आग नहीं बुझ पाई। मधुमक्खियों के काटने से कोई भी ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश नहीं कर पाया। ग्रामीणों ने अग्निशमन को कॉल किया। मौके पर दमकल की गाड़ी ने आकर आग पर काबू पाया। भैया जरा खपड़ैल पैको मारी हो, ऊपर खपड़ैल पैको साथ है, नीचे से कड़ी चल गई हुई ऊपर वो छोड़ी ना देंगे।